अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। मौत एक अटल हकीकत है। आज तक मौत के बारे में किसी ने इनकार नहीं किया। जो लोग अल्लाह के वजूद का इनकार करते हैं वो भी मौत से डरते थे, ये एक हकीकत है। मौत को अगर मोहब्बतों से टाला जा सकता तो माँ अपने बच्चे को कभी न मरने देती। मौत को अगर मालदारी से टाला जा सकता तो बादशाहों को कभी मौत ना आती। मौत को अगर हिकमत व दानाई से टाला जा सकता तो अफलातून और अरस्तू को कभी मौत ना आती। मौत को अगर वफादारियों से टाला जा सकता तो बीवी शोहर को कभी ना मरने देती। गर्ज ये एक अटल हकीकत है, हर एक की मौत आकर रहेगी। अल्लाह ताला हमें तैयारी की तौफीक अता फरमाए। इस दुनिया की हर चीज़ फना के दाग से दागदार है। प्यारे हज़रत मुफ्ती फैज़ुल वहीद साहब नव्वरल्लाहु मरकज़हू तकरीबन 55 साल की उम्र में अहले हक की पहचान बनकर रात और दिन अल्लाह की राह में अपने आप को खपा कर दुखों भरी दुनिया को छोड़कर सुख भरी जन्नत की तरफ कूच कर गए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। दिल टूटा हुआ है और आँखें पर नम हैं, लेकिन हम अपने प्यारे रब के फ़ैसले पर राज़ी हैं। गम के इस मौके पर यह आजिज़ हज़रत के मुरीदीन मुतवस्सलीन मुतअल्लिकीन और अहबाब से वही बात कहेगा जो 1450 साल पहले हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात पर सहाबा की हालत बिलखसूस हज़रत उमर फ़ारूक़ आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की हालत को देखते हुए फ़रमाया था। मन कान याबुदु मुहम्मदन फ़इन्न मुहम्मदन क़द मात व मन कान याबुदुल्लाह फ़इन्नल्लाह हय्युन ला यमूत। ये लोगो सुन लो, जो शख्स मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत करता था तो मोहम्मद तो दुनिया से चले गए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और जो शख्स अल्लाह की इबादत करता था तो अल्लाह ताला हय्यु क़य्यूम है, हमेशा से है और हमेशा रहेंगे। हिम्मत करें और आगे बढ़ें, मरहूम की बतलाई हुई बातों पर अमल करें और ज़िंदगी को संवारें, गुनाहों को छोड़ें और उनके बताए हुए रास्तों पर अज़्म करके हिम्मत करके आगे बढ़ें। इंशाअल्लाह अल्लाह हमारा हामी व नासिर है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।